हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवेंथ का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है पैरामीटर एंड एरिया, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जो आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मैं देख पा रही थी कुछ बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है। वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन कुछ बच्चों को आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है। तो कुछ और एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आज की क्लास में करेंगे, देन नेक्स्ट चैप्टर पर हम मूव करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों, यहाँ पे हमने पैरामीटर एंड एरिया के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ विथ 10 मीटर कट एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड। गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स। तो हेक्टेयर्स में कैसे आंसर देते हैं ये हमने आपको बता दिया था। कन्वर्जन कैसे आप करते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं ये भी हमने बताया था, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को पता होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि 2 चौराहे प्रत्येक की जो चौड़ाई है 10 मीटर है, ठीक है। 2 चौराहे हैं तो उसके जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो 10 मीटर। 700 मीटर लंबाई और 300 मीटर चौड़ाई आयताकार पार्क के केंद्र से होकर उसकी भुजाओं के समानांतर समकोण काटती है, ठीक है। सड़कों का क्षेत्रफल आपको निकालना है और चौराहे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल ही आपको यहाँ पे निकालना है। तो ये क्वेश्चन अभी हमें इस फॉर्म में समझ में कम आ रहा है, ठीक। हम इसका पिक्चर बनाएंगे, हमें आएगा क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे, ठीक है। पहले हम पिक्चर से आपको बताएंगे, फिर पिक्चर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक आयताकार यहाँ पे आपको पार्क दिया हुआ है, आयताकार पार्क है से। यहाँ पर क्या कहा गया है, 2 क्रॉस रोड मतलब कि 2 रोड जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है इसके सेंटर में। वो यहाँ से एक रोड यहाँ से यहाँ जा रही है, साथ साथ आप पिक्चर बना लेंगे इसका। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक पार्क है जिसकी लंबाई क्या है, 700 मीटर पूरा पार्क है और इसकी लंबाई है 700। और इस पार्क की जो चौड़ाई है, लंबाई तो इसकी 700 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 300 मीटर, यानी कि यहाँ पे 300 मीटर। क्योंकि ये आयताकार है तो इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती है ना। आयत जानते हैं ना आप, आयत कैसा होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस आयताकार पार्क का मैं एक नाम रख देती हूँ, ए बी सी और डी। ए बी सी डी क्या है, एक पार्क है, ठीक है। और इस पार्क की जो लंबाई है वो कितनी है, 700 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 300 मीटर है, ठीक है। पार्क आपका आयताकार है, आयताकार का मतलब क्या होता है कि इसके जो आमने सामने की भुजा है वो आपस में बराबर होंगी। यहाँ पे ए बी की जो माप है 700 मीटर वो बी सी की भी होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने है। यहाँ पर बी सी की जो माप है 300 मीटर वो ए बी की होगी, ये आपस में क्या है, पैरेलल होते हैं, ये आपस में बराबर होंगे और ये भुजा जाके बराबर होती है आयत में। आयत क्या होता है, जिसके आयत क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर आपको ये दोनों भुजाएं दे रखी हैं, लंबाई और चौड़ाई, तो इनकी और भुजाओं को भी आप निकाल सकते हैं आसानी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि टू क्रॉस रोड ईच ऑफ ब्रिथ इज 10 मीटर। यहाँ पे दो रोड है, ये रोड है आपकी, क्या ये रोड है, और इस रोड की जो ब्रिथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 मीटर। ये 10 मीटर है और ये भी क्या है, 10 मीटर है। और ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, एक दूसरे को समानांतर समकोण पर काटती है। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रही है, समानांतर समकोण पर काट रही है, यानी कि पैरेलल है ये एक दूसरे। तो आपको यहाँ पे क्या क्या बताना है, आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है, हमें इस रोड का, इन रोड का हमें एरिया निकालना है। रोड कहाँ पे, चलिए आप रोड का नाम लिख लेते हैं। पहली रोड यहाँ से है एफ, पी और एच, ठीक है। दूसरी रोड आपकी यहाँ से आ रही है आई जे के एल, इसको मैं आई मानू, आई जे के, ठीक है, ये रोड है। यहाँ पे हम एक और रोड देख पा रहे हैं जो दोनों क्रॉस कर रही है यहाँ पे, ठीक है, पी क्यू आर और एस, ये आपकी क्या है, रोड है, ठीक है। पिक्चर बना लेंगे साथ साथ। अब हमें इस रोड का क्या निकालना है, इस रोड का एरिया निकालना है। देखिए सॉल्यूशन आप लोग, तो एरिया ऑफ रोड, पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोड, ठीक है। एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे देखिए रोड आपके पास क्या क्या नाम है, ई एफ जी रोड हो गई, इसके बाद आई जे के एल, ये रोड हो गई, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं अंदर जो पी क्यू आर एस है, यहाँ पे ये दो बार आपका, देखिए हम पहले क्या करेंगे, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, आई जे के एल का हम एरिया निकालेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये रोड है पी क्यू एस आर एस, ये रोड आपकी दो बार आ रही है, एक बार तो ई एफ जी एच में आ रही है और दूसरी बार आई जे के एल में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो एरिया है उसको एड करेंगे, और दो बार क्योंकि पी क्यू आर एस, देखिए जब आप ई एफ जी एच का एरिया निकालेंगे उसमें भी ये पी क्यू आर एस आपका इंक्लूड होगा, इसके बाद जब आप आई जे के एल का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर भी ये दो बार आ रहा है, तो एक बार आप इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आया आप लोगों को, जी आई सी मतकोट, जी आई सी पटकोट, समझ में आया बच्चों आपको क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन, जब तक नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आने बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, समझना ही है इस क्वेश्चन में, बाकी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्वेश्चन एक बार आप समझ गए तो फिर इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रोड, तो हम क्या निकालेंगे, पहले तो एरिया ऑफ आई जे के एल निकालेंगे, क्या जाएगा यहाँ पे लिख दूं मैं एरिया ऑफ, या आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं आई जे के एल का क्षेत्रफल प्लस में ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, लिखिए एरिया ऑफ आई जे के एल प्लस में एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, और देखिए दोनों का एरिया ऐड करेंगे और वन टाइम आप पी क्यू आर एस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि पी क्यू आर एस आपका दोनों दो बार आया है, एक बार ये रोड ई एफ जी एच है आया, दूसरी बार आई जे के एल में भी ये रोड आया है, तो वन टाइम आप इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस में एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे एरिया ऑफ आई जे के एल, ठीक है, एरिया ऑफ आई जे के एल, तो देखिए ई एफ का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए, यानी कि एल इंटू बी प्लस में एल इंटू बी और माइनस में
एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, यहाँ पे देखिए ये जो आपका फिगर बन रहा है पी क्यू आर एस रोड की, ई एफ जी एच की जो रोड की जो ब्रेथ है वो 10 मीटर है, और यहाँ पर भी आई जे के एल की भी जो ब्रेथ है, जो उसकी चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्या बन रहा है, ये यहाँ पे आपका एक स्क्वायर बन रहा है कि 10 लंबाई हो गई है, 10 इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक स्क्वायर को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, और स्क्वायर का हमें पता एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड लिख सकते, साइड इंटू साइड यानी कि भुजा गुणा, ठीक है। इसको आप भुजा गुणा भुजा लिख लीजिए। ये एल आपकी लंबाई है, लेंथ है, बी आपकी क्या है, ब्रेथ है। एल यहाँ पर आपकी लंबाई है और ये आपकी ब्रेथ है। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ आई जे के एल, ये वाला है कि जो लंबाई होगी आई जे के एल, आई जे के एल इसकी लंबाई क्या होगी, यहाँ पे देखिए इस आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है, 300 मीटर, ठीक है। तो इस आई और जे, आई एल की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। कैसे आया ये, इसकी लंबाई कैसे निकली, आई जे के एल की ये लंबाई 300 मीटर कैसे आई, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है जे और के, तो इसकी लंबाई भी कितनी आ जाएगी, इसकी लंबाई आपकी आ जाएगी 300 मीटर। तो यहाँ पर हम लंबाई क्या लिख लेंगे, 300 मीटर, और ब्रिथ तो सबको आपको गिवन थी 10 मीटर दे रखा था, रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 मीटर है, प्लस में अब लंबाई किसकी निकाल रहे हैं हम, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, तो ये जो ई एफ है ये ए बी के पैरेलल है, और इसकी लंबाई कितनी है, 700 मीटर, तो ई एफ की लंबाई भी कितनी आ जाएगी, 700 मीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 700 मीटर मल्टीप्लाई बाय, और रोड का जो चौड़ाई है, रोड की जो ब्रिथ है वो कितनी, 10 मीटर। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका पी क्यू आर एस है, क्यू आर एस है, यहाँ पे आपको साइड इंटू साइड करना है, हमें पता है इसकी जो ब्रिथ है ये 10 मीटर है, यहाँ पर भी इस रोड की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 10 × 10 माइनस में 10 मीटर, आई बात समझ में, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपको समझ में आया, क्या ऐसी पटकोट बच्चों समझ में आया आपको, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका, कमल सती। कमल सती, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आया मैम, ये संस्कृत का पीरियड है वैसे ही आ रखे हैं। किसका पीरियड है, संस्कृत, संस्कृत का पेपर, आप क्लास 7 के बच्चे हो, हम 9th क्लास से हैं, 9th क्लास से, तो ये तो आपको और भी अच्छे से आना चाहिए, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, है ना, अभी आ रखे हैं, अभी आ रखे, चलिए बैठ जाइए, लेकिन ध्यान दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, बट ध्यान दीजिए, ठीक है। जब चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे एक जो है 700 मीटर चौड़ा और 300 मीटर जो है लंबा और 300 मीटर चौड़ा आपका क्या है, एक पार्क है। इस पार्क के अंदर दो रोड इस तरह एफ जी एच और आई जे के एच रोड है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, समानांतर यहाँ पर काट रही है। इस रोड की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, दोनों रोड की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इन रोड का क्षेत्रफल निकालना है, इस रोड का एरिया निकालना है। तो दोनों रोड का एरिया निकालेंगे आप तो क्या करेंगे, ई एफ जी एच ये भी एक रोड है और आई जे के एल ये भी एक रोड है, दोनों रोड का आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो पी क्यू आर एस है ये आपकी दो बार इंक्लूड हो गई है,
एग्जैक्ट आपके आंसर नहीं आ पाएगा। आप क्या करेंगे, पी क्यू आर एस, क्योंकि वो भी रोड का ही क्षेत्रफल था, लेकिन ये दो बार इंक्लूड हो गया है, एक बार ई एफ जी एच में और दूसरी बार आई जे के एल में, तो दो बार इंक्लूड हो गया है, तो वन टाइम आप इसको माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ आई जे के एल प्लस में एरिया ऑफ ई एफ जी एस, दो की दोनों रोड है, और माइनस कर दिया है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ये बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हमने माइनस क्यों किया है, माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये जो पी क्यू आर एस है ये आपका दो बार इंक्लूड हो गया है, जब हमने एरिया निकाला ई एफ जी एच का तब भी इंक्लूड था, और आई जे के एल का जब हमने एरिया निकाला तब भी ये इंक्लूड था, तो वन टाइम हम इसको माइनस कर देंगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी, एग्जैक्ट इसका जो एरिया है क्षेत्रफल है वो आपका निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ई एफ की जो मेजरमेंट है वो 700 मीटर के इक्वल है, और जे के है वो 300 मीटर है, और रोड का जो चौड़ाई है वो आपको क्वेश्चन में गिवन थी 10 मीटर है। तो हमने यहाँ पे इसको, ये आयताकार है तो रोड है ई एफ जी एच, ये आयताकार है, आई जे के एल की जो रोड है वो भी आयताकार है, लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर एस हमारा एक वर्ग बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा साइड इंटू साइड, और इसमें इसका लगेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि आपके आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा स्क्वायर में, प्लस में ये आपका आ जाएगा 7000 मीटर स्क्वायर, और माइनस में 10 इंटू 10 ये आ जाएगा 100 तो इसको आप ऐड करेंगे 300 को 700 से, तो ये आपका 10,000 आ जाएगा, 3000 को 10,000, और दोनों की जो यूनिट है वो सेम है मीटर स्क्वायर में। माइनस करेंगे आप 100 को 100 मीटर, जब यूनिट सेम होती है तब ही आप इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि यूनिट सेम चल रही है तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आप इसको आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर। बट यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर आपको क्या कहा है कि आपको क्या निकालना है, सड़कों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और इस पार्क चौराहे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल निकालिए, और उत्तर आपको किस में देना है, हेक्टेयर में देना है। यहाँ पे हमारे रोड का क्षेत्रफल तो निकल गया है, लेकिन इसका उत्तर हमें हेक्टेयर में देना है, और हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था वन हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, बताया था। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस तो हमने यूनिट का कन्वर्जन करना सीखा। ठीक है, तो वन हेक्टेयर में आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो इस मीटर स्क्वायर को जब आप हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 9,900 को आप क्या कर देंगे, 10 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.99 हेक्टेयर। तो ये आपका हेक्टेयर में इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या निकालना है, चौराहे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल ही आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसको करेंगे। ये पार्क में हमें क्या निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया था, हेक्टेयर में इसका मान निकाल लिया था, एरिया ऑफ रोड आपका क्या निकल गया था, एरिया ऑफ रोड मीटर स्क्वायर में कितना आ गया था आपका, मीटर स्क्वायर, और हेक्टेयर में कितना आ गया था, ये 0.99। ठीक है, अब आपको सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, हमें इस एरिया निकालना है किसका, पार्क का एक्सक्लूडिंग रोड, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड, रोड एक्स, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा,
ए बी सी डी यानी कि पूरे पार्क का माइनस कर देंगे आप उसमें एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड। तो एबीसीडी का जो लंबाई आपको क्वेश्चन में गिवन है 700 मीटर मल्टीप्लाई बाय 300 मीटर, माइनस करेंगे एरिया ऑफ रोड तो आपने निकाल ही लिया है 9,900 मीटर स्क्वायर। देखिए ये आ जाएगा 7 मीटर स्क्वायर माइनस में 9,900 मीटर स्क्वायर, उसको आप माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,00,100 मीटर स्क्वायर। अब इसको आपने हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1,2,3,4 20.01, तो आप इतना ही लिख लेंगे के बाद डेसिमल के बाद जीरो की। ठीक है तो ये देखिए ये आपने क्या निकाल दिया है, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड निकाल दिया है, एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ रोड। तो पूरा आपके पास एबीसीडी एक पार्क था और रोड का एरिया आपने निकाल लिया था 9,900 मीटर स्क्वायर, तो हमने माइनस कर दिया इसको, ये आपका मीटर स्क्वायर में आया है लेकिन आंसर आपको हेक्टेयर में देना था तो आप 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हेक्टेयर में आंसर। ठीक है इसको कॉपी कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। थ्रो अ रेक्टेंगुलर फीट ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड्स एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द फीट इन द विड्थ of each road is 3 meter, find the area of covered by road, the cost of constructing the road at the rate of rupees 110 per meter square. तो क्वेश्चन को आप समझेंगे पहले क्या है, 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार मैदान के माध्यम से दो सड़कें बनाई गई जो किनारों के समानांतर हैं और मैदान के केंद्र के माध्यम से एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यदि प्रत्येक सड़क की जो चौड़ाई है 3 मीटर है तो आपको सड़कों द्वारा कवर किया क्षेत्रफल आपको निकालना है कि कितना क्षेत्र उस सड़क ने क्या किया है कवर किया है। इसके बाद आपको क्या निकालना है 110 मीटर प्रति जो आपकी रोड बनाने की जो दर है, रोड का जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो निर्माण किया गया है वो किस लागत से किया गया है 110 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर पर आपको की रोड की लागत है। तो हमें क्या निकालना है कि जो रोड बनी है कितना उसमें लागत लगेगी, कितना उसमें खर्चा आएगा। ठीक है तो दो चीजें हमें यहां से निकालना है। चलिए पहले हम रोड बनाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है। चलिए तो ये एक मैदान है, लंबाई है 90 मीटर और इसकी चौड़ाई है आपको दे रखी है। के बाद यहाँ पे रोड बनाए गए हैं, तो सड़कें बनाई गई हैं जो किनारों के समांतर हैं, तो इन किनारों के समांतर हैं और मैदान के केंद्र के मध्य से एक समकोण पर काट दिए और इस रोड की जो चौड़ाई है वो आपको यहाँ पर कितनी दे रखी थी, ये आपको दे रखी है 3 मीटर। ठीक है पर भी रोड की जो चौड़ाई है वो आपकी 3 मीटर है। ठीक है अब हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें द एरिया ऑफ कवर्ड बाय रोड, इस रोड ने कितना एरिया कवर किया है ये हमें निकालना है। तो इन रोड का नाम रख लेंगे हम ए बी सी डी, ये बड़ी रोड है और ई एफ जी एच एफ एच ये आपकी छोटी रोड है। यहाँ पे जो आपका बीच में रोड है ये आपकी पी क्यू आर और एस। ठीक है ये रोड बनी हुई है,
अब हमें एरिया निकालना है इस रूट। चलिए सॉल्व कीजिए। यहाँ आप देख लेंगे एरिया ऑफ रोड इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसीडी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एबीसीडी का एरिया निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इसको एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस प्लस में एरिया ऑफ, क्योंकि हमें रोड का ही एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस आपका दो बार इंक्लूड हुआ है, तो वन टाइम हम क्या कर देंगे, एरिया निकालेंगे इसका, एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, अब क्योंकि जो ये जो रोड है इस, तो आपके पास क्या है यहाँ पे, आपको मैदान दे रखा है, इस मैदान के समानांतर है, यानी कि जो एसी की जो माप है वो 90 मीटर ही होगी। ठीक है, यहाँ पे लंबाई क्योंकि आयताकार है तो एल इंटू बी प्लस में एल इंटू बी और माइनस में ये, यहाँ पे देखिए इस रोड की जो चौड़ाई है ये 3 मीटर है और इस रोड की भी चौड़ाई 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, तो यहाँ पर ये आपका वर्ग बन रहा है और वर्ग की जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, साइड इंटू साइड निकलता है, यहाँ पर हम एस इंटू एस। ठीक है, तो देखिए एबीसीडी की जो लंबाई होगी, एसी की लंबाई किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी इस 90 मीटर की, तो 90 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मीटर से, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। ठीक है, 90 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर प्लस में यहाँ पे इस रोड की ई और जी की जो माप होगी वो 60 मीटर होगी, क्योंकि ये मैदान के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर माइनस में, देखिए इसकी लंबाई भी 3 मीटर है और चौड़ाई, देखिए दोनों की साइड क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 मीटर स्क्वायर प्लस में 180 मीटर स्क्वायर माइनस में 9 मीटर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे 450 मीटर माइनस मीटर स्क्वायर आ जाएगा माइनस में 9 मीटर स्क्वायर, तो यानी आंसर कितना आ गया है 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया है, यहाँ पे इस रोड का एरिया निकाल लिया है। अब देखिए कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रोड, रोड्स को बनाने में क्या कॉस्ट लगेगी, तो एरिया को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से, और भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया था। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया यहाँ पे 441 मीटर स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई बाय रुपीज आपको गिवन है कि 1 मीटर में कितना, 1 मीटर स्क्वायर में कितना आपका 110 आपका पर मीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा रुपीज, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो 48,510 ये आपकी लागत लगेगी इस रोड को सेक्शन करने में, रोड को बनाने में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने पैरीमीटर एंड एरिया पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, जो भी डाउट्स आपके होते हैं नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैरीमीटर एंड एरिया का जो चैप्टर है ये आपका हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मे बी इसका थोड़ा सा हम रिविजन करेंगे और नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।